आइडियल इंडिया टीवी पूरे जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इसलिए हो चुकी है ना, इन्होंने देखिए कई मामलों में बिल्कुल 6 सालों में कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कभी कभी तो कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो हमारा कहना है कि पहले तो जात पात धर्म अधर्म की बात तो छोड़ा ही, भारतीय जनता पार्टी जात पात धर्म अधर्म तो ये छोड़े और पूरे पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। कल हम तो कानपुर में थे इरफान सोलंकी जैसे लोग, आज हम जैसे झूठे मुकदमों में गिर रहे थे, पूरे विपक्ष को ही खत्म करना चाहते हैं। जनता ने चुना है, जब नेताजी हमेशा मुख्यमंत्री रहे, जब जब रहे, विपक्ष का कोई भी जनता ने जिसे चुना हुआ उसको सम्मान देने का काम किया, तो वो सीधा सीधा जनता का अपमान है। अगर जनता के प्रतिनिधि को तुम झूठे केसों में भेज दो तो जनता का अपमान है, तो फिर ऐसे तो खिलाफ हो चुकी है जनता और कोई काम नहीं किया। पहले तो राष्ट्र निर्माण की बात करते, पहले गांव का जो विकास तो करके दो, एक गांव का विकास 6 सालों में नहीं कर पाए, एक शहर का विकास नहीं कर पाए, केवल झूठे आश्वासन दिए। इसलिए हम लोगों ने तो विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से माफिया बड़ा कोई है नहीं, इन्होंने सब झूठे कदमे लगा लगा करके लोगों को परेशान किया। समाजवादी पार्टी में तो जरा सा कोई भी अधिकारियों की मनमानी नहीं थी, अब यहाँ अधिकारियों की मनमानी रिश्वत बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिना रिश्वत के कोई काम हो नहीं रहा, सुनवाई कहीं है नहीं, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं है, MLA MP की सुनवाई नहीं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ।